Hi guys, what's up? Welcome back over here once again. And today's video is gonna be in Hindi because question ye aisa pucha gaya tha aur kasam se maine question jo query jo aayi kasam se ya isse irritating cheez maine aaj tak zindagi mein nahi suni. ओके आप चाहे लड़का हो लड़की हो प्लीज़ ये वीडियो देखो क्योंकि आपसे भी कोई ऐसी टाइप की बात कर सकता है जो आपको अच्छी ना लगे. ओके आई रीड इट आउट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूँ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव आती हूँ, हम डायरेक्टली बातें करते हैं और मुझे एक इंस्टा फैमिली की तरह आप लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है. सो आई स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड ऑल्सो प्लीज़ प्लीज़ जो घंटे का बटन है ना उसे बिल्कुल भी दबाना भूलना नहीं क्योंकि नई वीडियोज़ आती है आप लोग देखते नहीं हो फिर मुझे पूछते हो कि ये क्या वो क्या, पता चलता है कि वीडियो ऑलरेडी आई थी आपने देखी ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने घंटे का बटन नहीं दबाया. ओके एनीवेज गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके मुझे ना आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो जो भी चीज़ पूछते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके आई रियली लाइक इट. जो भी आपका क्वेरी वगैरह है जॉब रिलेटेड कि यू नो टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या फिर कभी कभार कहते हैं कि पेरेंट जो है मान नहीं रहे ये जॉब के लिए, एनी थिंग गाइज पर्सनल और प्रोफेशनल एनी थिंग यू लास्ट मी आई मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे एक सवाल पूछा गया, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये कोई लड़की है और इट्स नॉट दैट मेरी लड़की की गलती है, ये कोई बात नहीं यार, जो भी आप हो आपकी कोई गलती नहीं है. आपने जो ये मुझसे सवाल पूछा मैं उनकी प्राइवेसी नहीं रिवील प्राइवेसी को हैम्पर नहीं करना चाहती इसलिए उसका नाम नहीं बताऊंगी, बट कोई बात नहीं, भी बेचारी नहीं जानती थी तो मुझसे पूछना चाहती थी. ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि कल को आप लोगों में से किसी ने ऐसी बातें किया तो आपके पास एक आंसर रहेगा बोलने के लिए. ओके नाउ शी इज़ आस्किंग इट्स अ बिट पर्सनल बट आई रियली वॉन्ट टू नो. एक्चुअली वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड इज़ अ पायलट इन एक्स वाई जी एयरलाइन. सो आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू. ही टोल्ड मी दैट once you join the airline to become a cabin crew, if any businessman or any person in the flights wants me to do anything what he wants he can do and I cannot deny it and I'm supposed to do it and if I want to get into this profession I have to be mentally prepared for all these things that might happen. After listening to this I'm really scared and he is a pilot so he told me that he also gets an offer on every flight if he want any such services. Hope you trying to understand what I'm saying. Can you please explain this to me, दी. जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे इतना गुस्सा आया इस पर कि यार तूने सुन कैसे लिया यार ये सब. अभी ये लड़की बेचारी नहीं जानती यार ऑब्वियसली तो कुछ नहीं आंसर कर पाई, ये जानना चाहती थी. मैंने उसको रिप्लाई में लिखा गिव मी द नेम ऑफ दैट पायलट फर्स्ट, इट्स रियली इरिटेटिंग टू हियर ऑल दिस, गिव मी द नेम ऑफ दैट पायलट. मैंने खाली इतना बोला उसको. उसके बाद लड़की का रिप्लाई है लेट इट बी आई गॉट योर आंसर I don't care what he says now. Okay, so guys किसी तरह आपसे कोई इस तरीके से बात करे तो ये जवाब देना कि भाई तू ये बोल रहा है तेरी हिम्मत कैसे. पहली बात ये प्रोफेशन में रहते हुए कोई भी ऐसे टाइप की बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा. एंड गाइज ये सारी मैंटेलिटी आप लोगों के दिमाग में आती कैसे है. और ज़रूरी नहीं है कि लड़की लोग के साथ ही ऐसा हो कि गर्ल्स यू गेट एन ऑफर. एक लड़के को भी कभी कह सकता है यार फॉर अ गाय इफ इज़ अ कैबिन क्रू, उसको भी कोई ऐसे बोल सकता है. बट लेट मी टेल यू गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है. ये हर एक दूसरे जॉब की तरह का ही जॉब है, सिर्फ एक फ़र्क है यहाँ ज़मीन में काम कर रहे हो यहाँ फ्लाइट में काम कर रहे हो. फ्लाइट में काम करने से पहले हमें ग्राउंड से ही होते हुए जाना है, घर से रेडी होना है, फिर हमारा जो भी बेस ऑफिस होता है हम वहाँ जाते हैं राइट. तो हम वहाँ जाते हैं, हमारी कंपनी की आईडी बनती है, हमारा फ्लाइट लाइसेंस होता है. गाइज अगर ये सब हम हरकतें करने लग गए तो फिर एयरलाइन का तो नाम ख़राब होगा. मैं बोलूँ गाइज ये प्रोफेशन में इस चीज़ से नाम क्यों ख़राब है, क्यों? क्योंकि कैबिन क्रू जो होते हैं वो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे दे अर्न रियली गुड, लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं और घूमने मिलता है दुनिया तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं ना जॉब के कि जो लोग इसमें इस प्रोफेशन में नहीं है वो लोग देख कर जलते हैं. आई एम श्योर इसीलिए वो लोग इस टाइप की बातें करते हैं. और इसको जो भी पायलट ने ये सब बोला ना आई एम श्योर वो कोई पायलट नहीं है जो ऐसे बोले, नो वन विल. सो आई वाज सेइंग कि जो लोग हैं ना ये सब जॉब के बेनिफिट से जलते हैं और जो इस प्रोफेशन में नहीं है ना वो ही इस टाइप की बातें करेंगे. और पता है ना बात इतनी सी यहाँ फैलाते वहाँ फैलाते तो बात बन जाती है. सो
पहले के टाइम पे लोग ऐसी बातें करते थे, बट अब नहीं, अब काफ़ी अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ की. बहुत सारे लोग जो है एविएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं और लोग जानते हैं कि इस प्रोफेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है काम पे वर्क का एटिकेट्स. यहाँ तक कि आपको अगर लगता है कि कैबिन क्रू बनने के बाद में कोई दूसरा एम्प्लॉय, ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही बदतमीजी करे, लड़की भी कर सकती है, ओके. तो आपको लगता है कि कोई लड़का या लड़की आपके साथ बदतमीजी करेगा, तो एचआर है भाई, एचआर होती है कंपनी में, आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हो, सामने वाले की जॉब चली जाएगी. गाइस इतना स्ट्रिक्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई एम्प्लॉय कभी ऐसे करेंगे. सेकंड चीज़, एम्प्लॉय के अलावा जो लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, पैसेंजर वगैरह, अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके साथ ऐसा करेंगे और आपको करना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. ये सब करने के नहीं, हमें सैलरी मिलती है लोगों की सेफ्टी का ध्यान देने की, या जो भी आपको जो चीज़ के लिए कैबिन क्रू बने हो उसकी सैलरी मिलती है. ये सब चीज़ की सैलरी नहीं मिलती है. कौन ये सब का बोल के यार दिमाग ख़राब कर देता है. आई रियली गेट वेरी इरिटेटेड यार, सीरियसली दिमाग ख़राब हो जाता है. कोई आपको अगर ऐसा बदतमीजी भी करे, ऐसे टाइप की बात करे, गाइस आप उस चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हो, वो चीज़ को पुलिस तक ले जा सकते हो. छोटी से छोटी चीज़ का सिखाया जाता है ट्रेनिंग में. अगर कोई रूडली बात करे तो कैसे रिएक्ट करना है, बदतमीजी करे, फ्लर्ट करे तो कैसे रिएक्ट करना है, हर एक चीज़ जो है ट्रेनिंग में सिखाई जाती है हमें. ओके, नाउ बदतमीजी से ज़्यादा कुछ हो रहा है या जो भी, अकॉर्डिंगली सब चीज़ें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं. यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई पैसेंजर कर रहा है, वो जेल में भी हवा खा के आ सकता है. जेल की हम काफ़ी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं जिसमें होता है यार बदतमीजी की एयर होस्टेस के साथ में वगैरह पढ़ते हैं, ज़रूर वो लोग जेल की हवा खा के आते होंगे गाइस. तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, जो भी एयरलाइन वगैरह देखने वाली सारी अथॉरिटी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखे. तो बिल्कुल भी मत डरिए, बिंदास इस प्रोफेशन में आओ, नाम कमाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने मम्मी पापा के, अपने फैमिली के हेल्प आओ पैसों रिलेटेड, या फिर आप करियर उसके अलावा भी बहुत चीज़ में एविएशन में बना सकते हो कैबिन क्रू बनने के बाद. सो प्लीज़ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने जब मैसेज पढ़ा मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने से बोला भाई नेम बता, गिव मी द नेम ऑफ द पर्सन हु टोल्ड यू ऑल दिस. तो सामने वाले की बोलती बंद होगी, कहती है कि नहीं नहीं इट्स ओके, आई गॉट माई आंसर, आई विल नॉट लिसन टू हिम. बट मुझे इस तरीके से उसे रिप्लाई नहीं करना था, मुझे पूरा डिटेल में ये वीडियो बना के बताना था, इसलिए मैंने उसको पूरा आंसर वहाँ नहीं दिया. इसलिए बना रही ताकि वो इस वीडियो को देखे. प्लीज़ आप जो भी हो ये वीडियो देखो, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ अगेन, आप लोग भी ये वीडियो देखो और समझ लो, शेयर करो उन सब लोगों से जिन्होंने भी ऐसी टाइप की फालतू बातें सुनी हैं. गाइज आई रियली रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन एंड एनी वन हु इज़ वर्किंग इन दिस प्रोफेशन, सो आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट पीपल टॉकिंग लाइक दिस. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, ओके. पीपल रियली रिस्पेक्ट ईच अदर. आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है पिकअप ड्रॉप वगैरह के लिए, सब कुछ गाइज, तो फिर सेफ्टी भी आपकी सारी कंपनी देखती है, राइट. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से गाइस, ये वीडियो में यही बताना था मुझे, और बाकी का हम लोग बाद में बात करेंगे. प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि हम लाइव आके बातें करते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. आई विल टॉक टू यू ऑलरेडी सून गाइस. हो गया मेरा बोल के, अब इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे. चलो गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल.